हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रामचंद्र और आप देख रहे हैं रामचंद्र गुरु यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आप थंबनेल देखकर पता ही चल गया ही होगा कि आज किस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रीम इलेवन की आज मैं बात करने वाला हूँ। ड्रीम इलेवन में टीम किस तरह से बनाते हैं, तो आइए देखते हैं कि ड्रीम इलेवन में टीम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले ड्रीम इलेवन ऐप्स इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले उसमें लॉगिन करना है। अब मोबाइल नंबर से वेरीफाई ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे इंटरफेस अगर आप तो किस गेम में टीम लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्रिकेट में, बास्केटबॉल में या फुटबॉल में, सारा ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने फुटबॉल में एक टीम लगाया हूँ, तो देखिए चेक कैसे करेंगे कि टीम लगा हुआ है या नहीं है। तो दोस्तों ये लाइव लिखा हुआ है, मैंने फुटबॉल में एक टीम लगाए हुए हैं, तो लाइव जैसे लाइव लिखा हुआ है उस पर सिंपली से दबाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे दबाएंगे। दबाने के बाद हमारा जो इंटरफेस आएगा खुल के, वो इस प्रकार रहेगा। जैसे ये लिखा रहेगा प्राइज पोल और स्पोर्ट और एंट्री, मतलब आप जो कॉन्टेस्ट लगाए हैं उसका प्राइज था 29 रुपये, और स्पोर्ट्स मतलब 4,205 मेंबर जो है वो कॉन्टेस्ट में शामिल हुए हैं, और मतलब जो प्राइज होंगे फर्स्ट विनर वो कितना प्राइज अचीव कर पाएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है। तो सिंपली से क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए स्पोर्ट पे ओके करेंगे। स्पोर्ट पे जैसे हम ओपन करते हैं, दबाते हैं स्पोर्ट्स पे, तो ये सारा डिटेल हमारा निकल के आ जाता है सामने। और ये देख सकते हैं आप, मेरा जो अभी विनिंग ज्वाइन है जो भी 135 पॉइंट मिला हुआ है, जो 2494 रैंक पे है अवेलेबल, जो अभी फर्स्ट रैंक पे है उसका देखिए प्राइज पॉइंट जो मिला हुआ है, सॉरी पॉइंट मिला हुआ है 165.5। और विनिंग मतलब कितना रैंक आएगा, तो मुझे कितना पैसे मिलेगा। तो सबसे पहले विनिंग पे ओके करेंगे। यहाँ से ऊपर में सिंपली से देख सकते हैं विनिंग लिखा हुआ है। तो विनिंग पे जैसे ही हम ओपन करेंगे, दबाएंगे, तो जैसे दबाते हैं तो ये ऊपर में सारा डिटेल आ जाता है खुल के पॉपअप। तो ये देख सकते हैं कि विनिंग में 2514 अगर पॉइंट मिलता है तो मुझे 29 रुपये का प्राइज मिलता है, मतलब 29 रुपये हम पाएंगे। अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं, फर्स्ट रैंक लाएंगे तो हमारा जो प्राइज मिलेगा, जो प्राइज होगा, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, प्राइस जो होगा 9,500 रुपये होगा। तो इस तरह का सारा डिटेल हम चेक कर सकेंगे। और टीम लगाते कैसे हैं, चलिए मैं उस पर आप बात करने वाला हूँ। टीम लगाने का सबसे आसान और सही तरीका यह है कि आप सबसे पहले जिस कॉन्टैक्ट में, जैसे मतलब लाइन आउट लिखा हुआ रहेगा, अभी तो लाइन आउट नहीं दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ है लाइन आउट है, क्रिकेट में दिया हुआ है। जैसे ये लाइन आउट है 1 आवर 24 मिनट, मतलब 1 घंटा 24 मिनट अभी है, इससे पहले ही लाइन आउट मिल चुका है, तो आप इसमें अभी टीम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये पॉपअप खुल के आ जाएगा सामने, तो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, एंट्री मतलब आप यहाँ पर प्रवेश करें। तो सबसे पहले एंट्री पर दबाएंगे। एंट्री पर दबाने के बाद हमारा जो पॉपअप खुलेगा इस तरह का होगा। तो हमारा कॉन्टेस्ट जो है वो कितने का लगाएंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है, आप 3,000 का लगाएंगे या 4,000 का लगाएंगे, सारा यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। तो चलिए मैं छोटा सा एक प्राइस पे दिखाता हूँ लगा करके। जैसे ये 45 रुपये का है, 45 रुपये एंट्री है, मतलब 45 रुपये का आप कॉन्टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो फर्स्ट प्राइज होगा 7.5 लाख का है। अगर फर्स्ट विनर मतलब एक नंबर स्थान पे आएंगे आप, तो 7.5 लाख यानी कि 7,50,000 रुपये आप पाएंगे। तो चलिए सिंपली से हम ओके कर लेते हैं। फिर इस तरह का हमारा पॉपअप खुलेगा। अब हमें करना क्या है, हमें टीम चूज करना है। तो टीम चूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो अगर रेड कलर का मैं रेड माइनस दिखेगा तो समझ लीजिए वो टीम में अभी अवेलेबल नहीं है, टीम में खेल नहीं रहा है प्लेयर। अभी ये जो सारा पॉपअप खुल रहा है वो अभी सारा अवेलेबल है, अभी
मतलब खेल रहा है, आप उसको टीम में शामिल कर सकते हो। तो मान लीजिए सिंपली से मैं इस पे फटाफट कर लेता हूँ चूज, उसके बाद बैट वाले में मतलब बैटर कौन कौन से हैं, तो बैटर को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट भी लिखा हुआ रहता है कि कितने पॉइंट में, मतलब एक प्लेयर का पॉइंट कितना है, 9 पॉइंट का है या 8 पॉइंट का है, वहाँ पर देखना भी पड़ता है कि कितना पॉइंट मिला हुआ है, 100% पॉइंट मिला हुआ रहता है सारा, उसी में टीम को चूज करना भी होता है। तो यहाँ हमने टीम कर लिया सेलेक्ट, तो उसे सिंपली हमें दबाना है ये जो दिख रहा है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे दबाएंगे ये वाला ऑप्शन पे। कंटिन्यू पे दबाने के बाद हमारा वाइस कैप्टन और कैप्टन को चूज करना होता है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे वाइस कैप्टन और कैप्टन किसको चूज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कितना परसेंटेज आदमी किसको चूज किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 15.43% जो है कैप्टन इसे बी खांदुरी को चूज किया हुआ है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वाइस कैप्टन देखते हैं किसको चूज करना है, और अपने मतलब जो प्लेयर है उस पर देखेंगे कि कितना परसेंटेज रैंक परफॉर्मेंस करता है, उस हिसाब से वाइस कैप्टन और कैप्टन को चूज करना होता है। सिंपली देख लेते हैं ये 14% है के रांझी जो बॉलर है उसे वाइस कैप्टन चूज कर लिया। जैसे चूज करेंगे यहाँ पर लिखा सेव टीम, आप सेव टीम ओके करेंगे तो जैसे ही मेरा पॉपअप खुल के सामने आ गया कि आप इतने कॉन्टेस्ट लगाए थे, आप ज्वाइन कॉन्टेस्ट के लिए प्राइज मुझे देना पड़ेगा इतना रुपये, और 45 रुपये हमें देना होगा। जैसे हम ज्वाइन कंटिन्यू पे ओके करते हैं तो हमारा जो पॉपअप है वो ज्वाइन हो गया, हमारा जो कॉन्टेस्ट था वो लग गया, आप ज्वाइन कर गए इसके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।